नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शिवपाल यादव की एक वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, इस वीडियो में शिवपाल यादव वोटर्स को धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें ये कहते सुना जा रहा है कि हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में हिसाब होगा। वायरल हुए इस वीडियो में शिवपाल यादव के साथ सपा के वरिष्ठ नेता मंच पर सहसवान के सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे भी नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि शिवपाल ने ये टिप्पणी कहाँ की है, उन्होंने ये टिप्पणी कब की है, यह भी स्पष्ट नहीं है। शिवपाल यादव की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने वायरल वीडियो को पूरे भाषण के कुछ हिस्से को जानबूझकर काटकर पेश करने की बात कही है। हालांकि शिवपाल यादव के साथ मंच साझा करते नजर आ रहे सपा विधायक ब्रजेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये वीडियो 15 मार्च का है और यह तब का है जब शिवपाल यादव गुन्नौर की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह बयान बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र में दिया है। बदायूं DM मनोज कुमार ने बताया कि हमने वीडियो का पता लगा लिया है, हमारी ओर से वीडियो की जांच की जा रही है, जांच की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज।